रोजी। क्यों आई हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना? तुमने मुझसे एक वादा भी किया था रुपए पहुंचाने का। रुपए मुझ तक पहुंचे नहीं, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। रुपए कहीं भाग ही जा रहे थे क्या? इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? मुझसे काम करवाने की जल्दी तुम्हें नहीं थी? कॉलेज की लड़कियों को मैडम कैसे इस्तेमाल करती है, इसके सबूत इकट्ठा करने के लिए तुम उतावली नहीं थी? लड़कियों के नाम और तस्वीरें मैंने ला कर दिए तुम्हें, इसकी कीमत नहीं चुकाओगे तुम? क्या कीमत लगाई है तुमने? रुपए चुकाने की बात करती है, तुम्हें तो ये तक याद नहीं कि कीमत क्या तय हुई थी? ये लो 10,000 रुपए और दफा हो जाओ यहां से। और दो मैडम बैठे। क्या वो किस लिए? ये 10,000 नाम और तस्वीरों के, और बाकी के 10,000 अपनी जुबान के लिए। इसका क्या मतलब है रोजी? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने तुम्हारे दुश्मनों को ये बता दिया कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भड़काने वाले तुम थी, मैडम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने वाले तुम थी, तुम्हारी एक दिन की जान बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। ओ, रुपए भी ऐत होगी और धमकियां भी दोगी? रुपए ऐत नहीं रही, कीमत वसूल कर रही, धमकियां भी नहीं दे रही, आगाह कर रही हूं तुम्हें। मैडम बहुत खतरनाक औरत है, एक बार तुम्हारे जान के पीछे पड़ गई, छोड़ी दूंगी तुम्हें। पैसे जल्दी निकालो। ये लो पैसे और दफा हो जाओ यहां से। दोबारा यहां आने की जुर्रत भी मत करना। जाओ। एक बार किसी के साथ रिश्ता बन गया तो बन गया, मैं उसे आसानी से नहीं तोड़ती। फिर मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। बाय। हेलो रोजी। सलीम तुम? बस तुम्हारी राह देखा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अरे रोजी, पुराने संबंध हैं तुमसे, अब तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, ये सब का तो पता लगाना ही पड़ेगा ना मुझे। रोजी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि रंजना के घर पर क्या कर रही थी तुम? मैं उसे मिलने आई थी। What do you mean by क्यों? It's none of your business, Salim. Get out of this car. मेरा नाम सलीम है रोजी, सलीम। और सलीम जिसके पीछे एक बार पड़ जाता ना, उसे छोड़ता नहीं। मैं फिर पूछ रहा हूँ, वहाँ क्यों गए थे तुम? मैंने तुमसे कह दिया सलीम, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। Get lost. ओके ओके, इतना नाराज क्यों होती हो तुम? अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। बाय। Once again, Rosie. Goodbye. Salim! Salim! Ruk jao, Salim! Salim, ruk jao! अभी तो कह रही थी चले जाओ, और अब कह रही हो रुक जाओ। मुझे वापस दे दो सलीम। Rosie! ये बैग, ये नोटों से बड़ा हैंड बैग तुम्हें वापस कर दो। ये पैसा तुम्हारे हवाले कर दो, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। ये बैग मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, जिसके लिए तुम अपना जमीन, अपना ईमान, सब कुछ बेच सकती हो। रोजी, ये रुपया तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है,
और मैं इसे आज हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना चाहता हूं। अब मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि तुम खुद ढूंढते ढूंढते मेरे पास आओगे। गुड बाय। अरे सलीम तू? हाँ मैं। शक्ति मैंने काम को वो अंजाम दिया है कि अगर तू भी सुनेगा तो दंग रह जाएगा। कौन सा काम? मैंने तुझसे जो कहा था वही सच निकला। कॉलेज में पेरेंट्स ने जो हल्ला मचाया था ना, उसके पीछे रोजी का हाथ था। रोजी से एक काम करवाने वाली रंजना जोशी थी, और रंजना के सिर पर किसका हाथ है ये तो तू अच्छी तरह से जानता है। एक मिनट, तेरे पास इसका सबूत क्या है? सबूत दिखाता हूं तुझे। सबूत सबूत है ये रुपए जो रंजना ने रोजी को दिया था, और रोजी से मैंने छीन लिया। सलीम, तुमने रोजी से ये रुपए छीने? लेकिन क्यों? उसे सबक सिखाने के लिए। रंजना के घर से निकली थी कि मैंने उसे पकड़ लिया, और अब वो भिनभिनाती हुई घूम रही है। सलीम, सलीम कितना बड़ा बेवकूफ है तू यार, बहुत बड़ा इडियट है। ये क्या लग रहा है तू? सलीम, अरे यार, ये उसे छीने के बजाय अगर तू उसे पुलिस स्टेशन ले जाता, उसे अपने जुर्म का इकबाल करवाता, तब कोई बात बनती। इन नोटों को देख, इस पर किसी का नाम लिखा है। अब हम साबित क्या करेंगे? तो ठीक है यार, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, लेकिन अब हम इन नोटों का करेंगे क्या? पुलिस के हवाले करते हैं। अच्छा, और पुलिस ने मुझे ही अंदर कर दिया तो? नहीं, एक काम करते हैं, हम कमिश्नर भटनागर साहब के पास जाते हैं, उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, वो हमारे वेल विशर है। अच्छा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर। चल चल आ जा। रोजी? हाँ, ये रोजी कौन है? सर रोजी वो है जो मैडम के लिए काम करती थी। मैडम? मैडम कौन है? सर मैडम वो है जिसके मिस्टर विनायक के साथ संबंध है। सर विनायक, मैडम और रोजी एक त्रिकोण के तीन कोण है। तो ये तीसरा कोना, मेरा मतलब है रोजी, ये उनके खिलाफ क्यों? रुपयों के खातिर। रंजना जोशी ने उसे वरगलाया और वो झांसे में आ गई। इस काम के लिए रोजी को जो पैसे दिए गए थे वो सलीम ले रहा। एक मिनट, ये पूरा मामला जरा कंफ्यूजिंग है। सर मैं आपको समझाता हूँ। सर क्या हुआ, कुछ महीनों पहले हमारे कॉलेज की चंद लड़कियों को रोजी मैडम के पास ले गई मॉडलिंग का झांसा देकर। लेकिन जब लड़कियों को ये पता चला कि मॉडलिंग के नाम पर मैडम उसे गलत काम करवाना चाहती है, तो वो मैडम के चंगुल से निकलने की कोशिश करने लगी, और मैडम उन्हें छोड़ने रही थी। और एग्जैक्टली उसी वक्त तुमने जाकर उसे मैडम के चंगुल से छुड़ाया। एब्सोल्युटली राइट सर। और सर हमारे कॉलेज में फेस्टिवल होने जा रहा है, और इस फेस्टिवल में भी अड़चने पैदा करने के लिए रोजी ने स्टूडेंट्स के माँ बाप को भड़काया है। ये वही मैडम है जो लड़कियों से गलत काम करवाना चाहती थी। इस काम के लिए रंजना जोशी ने रोजी को पैसे दिए, और रंजना जोशी को ये ऑर्डर्स किसने दिए ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस मामले के तह तक पहुंचने के लिए, सच्चाई जानने के लिए रोजी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हो कहाँ है? नो सर। सर सर उसका कोई एक ठिकाना नहीं है, छलावे की तरह कहीं भी गायब हो जाती है, अचानक कहीं भी नजर आ जाती है और फिर गायब। सर मेरा यकीन मानिए, ये बात मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। नहीं नहीं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, डोंट वरी, वी शैल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू सर, अब हम लोग चलते हैं। चल सर। सर यहां आने से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन अच्छा हुआ जो आ गया। मैं डर रहा था कि कहीं आप मुझे अंदर बंद न कर दें, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने किया तो नहीं, लेकिन मैं अभी भी चाहूं तो कर सकता हूं। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए इस पुलिस स्टेशन में कैद कर सकता हूं। लेकिन सर मैंने ऐसा कोई कसूर नहीं किया। सर तुम्हारा कसूर क्या? तुम जिंदगी भर यूं ही आवारागर्दी करते रहो? शक्ति की तरह कोई काम आप नहीं कर सकते?
सर, मुझे कोई काम ही नहीं देता। अगर मैं तुम्हें काम दूंगा तो करोगे? जरूर करूंगा सर, काम बताइए। पुलिस फोर्स में भर्ती होना चाहोगे? पुलिस फोर्स? क्यों, एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, शायद आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है कि वो बौखला गए। तो ठीक है, जल्दी बोलो, यस और नो। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मिस दोषी। ये बताइए, ये आपने मुझे आज सर किस लिए पुकारा? गुड मॉर्निंग। वैसे प्रिंसिपल साहब को नाम से कैसे पुकार सकते हैं? मॉर्निंग। इसीलिए मुझे सर कहना पड़ा। स्मॉल करेक्शन मिस दोषी, मैं प्रिंसिपल नहीं, एक्टिंग प्रिंसिपल। तो आप एक्टिंग करते रहिए, एक दिन आप प्रिंसिपल जरूर बन जाए। वैसे आपसे ज्यादा डिजर्विंग और काबिल उस कॉलेज में और कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन चक्कर ये है मिस दोषी, ऐसा सिर्फ आप ही सोचती हैं। जी नहीं, ऐसा इस कॉलेज का हर स्टूडेंट सोचता है और यही चाहता है। मैं फ्रेंकली आपसे एक बात कहूँ? कहिए। आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं तो शर्त लगा सकती हूँ कि बहुत जल्द इस कॉलेज के प्रिंसिपल आप ही बनेंगे। देखिए देखिए, शर्त मत लगाइए, आप हार जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। चलिए हो जाए 100-100 की शर्त। व्हाट, सिर्फ 100 रुपए? नाउ यू आर अंडर एस्टिमेटिंग मी मिस दोषी। देखिए शर्त लगानी है तो कम से कम 1,00,000 रुपए की लगाइए, तब मजा आएगा। वैसे तो मैं 1,00,000 लगा सकती हूँ, लेकिन जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। अब आइए, एक एक कप चाय पीजिए। जी नहीं, बेल बजने वाली है और मेरा लेक्चर शुरू होने वाला है। श्योर। चाय उधार दे। ओके। शाम को पी। हसन अली सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कब आए आप? मैं कुछ याद ही नहीं, कब आए? याद ही नहीं, यानी? यहां बैठे बैठे ऐसा कुछ सोच रहा था कि वक्त का पता ही नहीं पड़ा। क्या सोच रहे थे सर? कुछ नहीं, बस यूं ही इस कॉलेज के बारे में, तुम्हारे बारे में। इसमें कौन सी नई बात है, कॉलेज के बारे में तो आप हर रोज सोचते हैं। हाँ, मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? ऐसे ही बहुत कुछ सोचता रहा। बाय द वे, वो फेस्टिवल की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ओह फाइन, एब्सोल्युटली फाइन सर, वी ऑन शेड्यूल। दैट्स गुड, वेरी गुड। आप मेरे बारे में कुछ कह रहे थे सर? हाँ हसन अली, मैं तुम्हारी तुलना और लोगों से कर रहा हूं। इस दुनिया में हर इंसान दौलत, कुर्सी और ताकत के लिए जीता है, सिर्फ उसी के लिए जिंदा रहता है। लेकिन तुमने ऐसी चीजों को कभी अहमियत नहीं, पर ऐसे इंसान के साथ नाइंसाफी क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। तुम तो क्या हसन अली, मैं खुद भी ये सब नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे अफसोस है हसन अली कि जिस ओहदे के तुम हकदार हो वो मैं तुम्हें दिला नहीं सका। इस कॉलेज के नए प्रिंसिपल की पोस्टिंग होगी। सर हसन अली, मेरी दिली इच्छा थी कि तुम इस कॉलेज के प्रिंसिपल हो, और इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया था प्रमोशन के लिए और इस कॉलेज में पोस्टिंग के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सर, मैंने कभी कुर्सी और ओहदे का लालच नहीं किया है, बिलीव मी सर। आपने अभी भी मुझसे कहा ना कि मैंने जिंदगी में कभी इन सारी चीजों की अहमियत ही नहीं की,
इसीलिए सर आज जो कुछ भी हुआ इसका मुझे कभी अफसोस नहीं होगा सर, कभी नहीं। अब मेरे लिए ये कॉलेज ही सब कुछ है, मैं इसका महज एक छोटा सा हिस्सा हूं सर, और मैं इसमें बहुत खुश हूं सर। I'm proud of you, Assembly. I am really proud of myself. जब तक भारद्वाज एडिटर है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, मैं आपको बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। वेलकम मिस रंजना, वेलकम। कहिए मैडम, क्या खातिरदारी की जा रही है? ओहो, ठंडा लेंगी या गरम? मेरी बात मानिए तो आप सर्दियों में ठंडा लिया कीजिए और गर्मियों में गर्म। क्या होता है, इंसान फिट है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप तो फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, कुछ तो लीजिए मैडम। मुझे प्लीज मैडम मत कहिए। मैडम तो वो है जिनके बारे में आपको न्यूज छापनी है। आपको ठोस सबूत चाहिए था तो ये रही उन लड़कियों की तस्वीरें। Now go ahead and publish it. मुझे यकीन है बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज बनेगी। मिस रंजना, न्यूज तो इंटरेस्टिंग बनेगी, नो डाउट, मगर मेरे लिए बवाल जान भी बनेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इन तस्वीरों को छापकर और मैडम मेनका के खिलाफ अपने अखबार में लिखकर मैं एक्स चीफ मिनिस्टर विनायक से दुश्मनी मोल ले रहा हूँ। और यू सी मिस रंजना, इन पॉलिटिशियंस की उम्र और याददाश्त हाथी के बराबर होती है। कल को ये पावर में आ गए तो समझ लीजिए अपना बोरिया बिस्तरा गोल। वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तब आपको कौन बचाएगा मिस्टर एडिटर? ये तो जबरदस्ती होगी भाई, आप तो हमको धमकियां दे रही हैं। देखिए, मैं इस न्यूज़पेपर का एडिटर हूं और ऐसी बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये खबर गणेश जी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनके एक इशारे पे आपको सरकारी इश्तेहार मिलने बंद हो सकते हैं, और अगर बात बिगड़ जाए तो हो सकता है कि आपके न्यूज़पेपर के लिए पेपर मिलने बंद हो जाए। तब आप क्या करेंगे मिस्टर एडिटर? मैं गणेश जी से बात करना चाहूंगा। मिस्टर भारद्वाज, मैंने जो भी कहा वो गणेश जी के ही ऑर्डर्स हैं। अगर आप मुझ पे शक कर रहे हैं तो आप गणेश जी पे शक कर रहे हैं, और अगर आप मुझे इनकार करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गणेश जी के ऑर्डर्स को ठुकराने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ये कल के अखबार में छप जाना चाहिए। मिस संजना, कल के अखबार में ये नहीं छप सकता। क्यों? क्योंकि प्रेस में मटेरियल ऑलरेडी जा चुका है। आप पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन बहुत ना समझ। हमें मना करने की गलती दोबारा मत कीजिएगा, वरना बहुत पछताएंगे आप। देखिए, आप बुरा मत मानिए प्लीज। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसे कल दोपहर के अखबार में एडजस्ट करेंगे। Have a nice day. Welcome to your college. Thank you. Please come. अरे, ये मैडम कौन है? अरे जो भी है बड़ी कमाल की है। What a personality. अबे धीरे बोल, जोर से बोला उन्हें सुन लिया ना तो प्रॉब्लम में आ जाएगी, तेरी पर्सनैलिटी हवा में उड़ जाएगी। क्यों क्यों भाई भाई? हाँ, अरे तुम लोग को पता नहीं, ये वही है। वो कौन? She's our new principal. New principal.
प्रिंसिपल। नमस्ते मैडम। अरे मुझे नहीं, उन्हें कहो नमस्ते। नमस्ते मैडम। हेलो मिस एस एम अली। मिस्टर साइमन। हेलो मिस्टर साइमन। हेलो, ये है मिस विद्या माथुर। जस्ट अ मिनट सर, मैंने देखते ही समझ गया, ये हमारे कॉलेज की नई प्रिंसिपल है। वेलकम टू सेंट्रल कॉलेज। कम, प्लीज हैव अ सीट। मेरे ख्याल से मेरी कुर्सी ये है। ओह यस ऑफ कोर्स, प्लीज हैव अ सीट। आप नहीं बैठेंगे? जी सर। मिस माथुर, मिस्टर हसन अली इस कॉलेज के बहुत सीनियर प्रोफेसर है, मार्गदर्शक, गाइड, टीचर, सही माने में वो स्टूडेंट्स के दोस्त हैं, बहुत पॉपुलर फिगर हैं इस कॉलेज के। आई नो दैट, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। जितना सुना है उससे बढ़कर पाएंगे आप। ये तो और भी अच्छी बात है सर, तब तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ मिलकर काम करने का मौका सिर्फ नसीब वालों को मिलता है।